गुड आफ्टरनून माई डियर स्टूडेंट्स आई एम पिंकी शर्मा योर टीचर योर फ्रेंड टूडे वी विल डू अवर नाउन्स लेट्स स्टार्ट सबसे पहले वट इज नाउन हिंदी में नाउन्स को क्या बोलते हैं संज्ञा नाम सुना होगा आपने तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे नाउन्स क्या होती हैं उनके काइंड्स उनकी टाइप्स सीखेंगे और उनका उनके बारे में कंप्लीट डिटेल से जानेंगे इसका एक दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे तो फिर आप रेडी हो यस yes. सबसे so, पहले हमें जब नाउन की हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन सिर्फ हम इतना भी बोलें कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन तो भी हमारी जो डेफिनेशन है वो नाउन की कंप्लीट हो जाती है जितनी भी चीजें हैं यानी कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन जितनी भी संसार में चीज़ें हैं वो सभी के जिन जिन चीज़ों के भी नेम है कहने का मतलब क्या है भी नाउन हम किस बोलते हैं किसी भी चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई स्थान हो चाहे हमारे इमोशंस या फीलिंग्स हो उनका यदि हमने नाम रख रखा है नाम है उसका तो वही हमारी क्या कहलाती है नाउन कहलाती है आप यहां से के, आप इसकी नाउन के डेफिनेशन लिख सकते हो तो हमारा इसकी डेफिनेशन अगर क्या है ए नाउन इज इन नेमिंग वर्ड दैट इज यूज टू नेम लिविंग बींग्स प्लेसेस थिंग्स आइडियाज एंड फीलिंग्स यानी कि जो नाउन है वो उनके नेमिंग वर्ड यानी कि वो शब्द हैं जिनसे उनके नाम रख नाम है दैट इज यूज टू नेम लिविंग बिंग या तो लिविंग बिंग जो सजीव हैं उनको उनके नेम होते हैं स्थानों के नेम होते हैं थिंग्स वस्तुओं के नाम होते हैं आइडियाज विचारों के नेम होते हैं फीलिंग्स और भावनाओं के नाम होते हैं यानी कि कोई भी नेमिंग जो वर्ड्स होते हैं यानी कि जिस चीज़ का भी नाम होता है वही हमारी क्या होती है नाउन कहलाती है अब एग्जाम्पल से देखेंगे जॉन इज अवर बॉय तो यहाँ पे जॉन और बॉय दोनों क्या है नाउन है जॉन क्या है नाम है बोय भी क्या है वो भी हमने किसी को नाम दिया है बी पार्ट में देखेंगे इम्प्रेस इज एवरीबडी तो हिज क्लेवरनेस इम्प्रेस इज एवरीबडी तो यहाँ पे जो क्लेवरनेस है वो हमारा क्या है नाउन है अब क्लेवरनेस क्या है किसी का माइंड की जो फीलिंग है यानी कि, कि किसी इंसान की जो क्वालिटी है उसको हमने क्लेवरनेस नाम दे दिया है दैट इन द गिवन सेंटेंसेस जॉन बॉय क्लेवरनेस आर नाउंस तो वर्ड्स लाइक मैन लेडी श्रुति लखनऊ पोस्ट ऑफिस वुड एयरफोर्स शोरो आर आल्सो नाउंस तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया आपको सिर्फ नाउंस में आपको ध्यान में रखना है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जितनी भी स्थान है जितने भी चीजें हैं यदि उनका कोई नाम रख रखा है यदि वो कोई उनका नाम है तो जो नाम है तो वो पक्का क्या हो गया आपके लिए नाउन होगी यानी कि आप नाउन की बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन आप अपने माइंड में रख सकते हो कि आप बोल सकते हो कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन बिल्कुल इजी डेफिनेशन है इसको याद रख लेंगे उसके बाद कहते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इट ऑल्सो नेम्स एन आइडिया और फीलिंग यानी कि नाउन जो है किसी व्यक्ति का किसी वस्तु का किसी पशु का जो है एक नाम है ये किसका नाम भी हो सकता है किसी विचार का नाम भी हो सकता है कोई फीलिंग है जैसे हेट है लव है ये हमारे क्या है फीलिंग्स है तो ये भी क्या हमारी नाउन है तो इस प्रकार से नेमिंग आर कॉल्ड नाउन उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखी है बोला आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल इसमें से आपको नेमिंग वर्स जैसे हेनरी हेनरी क्या है एक नाम है इज ए प्रिंस प्रिंस भी क्या है किसी का तो नाम है राजा का जो बेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंस बोलते हैं तो प्रिंस ऑल्सो ए नाउन ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन भी क्या है नाम है एक देश का नाम है तो नेम है तो नाउन है जॉन स्विम्स बेटर देन स्मिथ अब जॉन और स्मिथ दोनों नाम है तो नाम है तो नाउन है मैरीकॉम इज ए बॉक्सर अब मैरीकॉम क्या है नाम है तो नाम है तो, है तो क्या हो गया नाउन है फिजिक्स फिजिक्स भी एक नेम है तो नेम है तो नाउन है शानू प्लांटेड सीड अबसानो जो है वो भी नाम है सीड है वो भी आपका क्या है एक नाम है तो वो भी क्या है आपकी नाउन है अब हमने यहाँ तक हमने ये तो सीख लिया भाई नाम नाउन क्या होती है तो इन शोर्ट शब्दों में हम क्या कर सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन यानी कि नाउन उन सब चीज़ों को हम नाउन कहते हैं जिनके हमने नेम जिनको हम कोई नाम दे सकते हैं अब हम करेंगे काइंड ऑफ नाउंस यानी कि जो नाउन्स है वो कितने प्रकार की होती है सबसे पहले कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन्स कोलेक्टिव नाउंस मैटेरियल नाउंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउंस कॉमन नाउन कॉमन नाउन जो सब में कॉमन होती है तो कॉमन नाउन हम किसको कहते हैं जैसे नाउन्स दैट नेम पर्सन प्लेसेज और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम काइंड और कॉमन नाउन्स यानी कि अपने ही जैसी जैसे वस्तु है जैसे हमने बोल दिया कॉमन नाउन हम किसको कहते हैं जैसे बॉय है तो लड़का जब हमने बोला बॉय गर्ल टीचर स्टूडेंट्स तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन है भाई स्टूडेंट तो स्कूल में सभी क्या है स्टूडेंट हैं बॉय सभी जितने भी बॉय हैं वो बॉय हैं गर्ल्स तो हमने कोई पर्टिकुलर तो किसी का नाम नहीं लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन नाउंस क्या बोलते हैं उसको कॉमन नाउंस अभी कहते हैं एक कॉमन नाउन इज ए वर्ड भाई कॉमन नाउन एक वो वर्ड है वो शब्द है दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग इट गिव्स ए कॉमन नेम टू ए पर्सन यानी कि वो किसी विशेष व्यक्ति किसी विशेष स्थान की तरफ जो है इशारा नहीं करता है बल्कि वो कोई कॉमन यानी कि जो सभी में एक जैसी जो बात होती है उसको शो करता है उसको हम क्या कहते है? हैं कॉमन नाउन कहते हैं सेम क्लास का होता है जैसे एग्जाम्पल देखो वर्ड्स लाइक बुक्स अब मैंने बोला बुक्स पेन पेंसिल बॉयज रिवर माउंटेन टाउन विलेज ये सब क्या है कॉमन नाउन है अब देखो कॉमन नाउन है अब वैसे ही हम कहें पेप्सोडेंट तो पेप्सोडेंट तो एक जो टूथपेस्ट है उसका एक अलग से नाम हो गया उसका एक पर्टिकुलर पेप्सोडेंट की बात टैप स्टूडेंट क्या होगा हमारे एक पर्टिकुलर हो गए एक विशेष हो गया उसका तो एक अलग से हम कहीं टूथपेस्ट तो टूथपेस्ट क्या होगा आपका कॉमन नाउन है अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया टीचर अब टीचर तो भाई कोई भी हो सकता है किसी भी स्कूल का टीचर हो सकता है टीचर तो सब टीचर होते हैं ठीक है लेकिन अगर आपने बोल दिया टीचर बोला तो कॉमन नाउन लेकिन अगर आपने बोला पिंकी शर्मा मैम तो पिंकी शर्मा टीचर तो वो क्या होगा अपने आप में एक विशेष हो गया तो यहां हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों एक साथ कर सकते हैं कैसे करेंगे देखो कॉमन नाउन तो क्या होता है वो एक नाम दे देते हैं जैसे डॉक्टर हैं तो डॉक्टर में तो कोई भी डॉक्टर आ गया अगर हमने उसको पर्टिकुलर नेम दे दिया जैसे डॉक्टर स्मिथ डॉक्टर अनु ठीक है तो वो क्या होगी आपकी प्रॉपर नाउन होगी अगर ओनली हमने डॉक्टर बोला तो वो आपकी कौन सी होगी कॉमन नाउन उसी प्रकार से यदि हमने बोला स्कूल तो स्कूल कौन सी नाउन हो गई कॉमन नाउन यदि हमने बोला जैसे डॉक्टर रामचंद्र कन्या विद्यापीठ स्कूल तो वो हमारा क्या होगा एक पर्टिकुलर हो नेम हो गया एक पर्टिकुलर स्कूल हो गया ठीक है तो वो क्या होगा हमारा प्रोपर नाउन हो गई है सेम वे में हमने बोला बॉय बॉय क्या आपका कॉमन नाउन है लेकिन हमने बोला राहुल तो राहुल एक लड़का है बॉय है लेकिन हमने उसका क्या दे दिया एक प्रॉपर नाम दे दिया उसको यानी कि विशेष उसमें बता दिया तो राहुल क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया उसी प्रकार से यदि गर्ल तो गर्ल तो एक अपने आप में एक कॉमन नाउन है लेकिन हमने किसी लड़की का बोल दिया जैसे अनुराधा राधा तो वो आपकी क्या हो गई प्रॉपर नाउन हो गई आई थिंक आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया यानी कि कॉमन नाउन तो वो नाउन होती हैं जो हम किसी भी उसी के जैसे सेम जो आ, सेम प्लेस हो सकता है सेम पर्सन सेम प्लेस सॉरी कोई कॉमन नाम दे दिया जाता है जैसे रिवर है तो रिवर अब ये तो हमें पता नहीं चल रहा अभी कौन सी रिवर की अगर हमने बोला गंगा रिवर ठीक है तो ये जैसे गंगा रिवर तो बोल दे तो प्रॉपर नाउन हो गया हमारा क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया उसको लेकिन यदि हम किसी चीज को पर्टिकुलर नाम ना दें और उसके जैसी और भी वैसी सेम चीज हो तो उस, और उसको हम एक ग्रुप में हम उसको जैसे नाम दे देते हैं तो वो हमारे कौन से नाउन हो जाती है कॉमन नाउन हो जाती है यानी कि उसमें कुछ भी अलग भी नहीं होता जैसे काउ है काउ क्या है आपका कॉमन नाउन हो गया है लेकिन यदि हम कहें भी रामज काऊ तो राम की का गाय होगी वो कौन सी होगी वो तो एक प्रोपर नाउन हो गई है।, है हमने उसको कर दिया अलग से तो कॉमन नाउन जैसे हमने बोला पेंसिल पेन पैं बोला पेन बोला हमने और पेंसिल बोला तो भाई पेन तो नटराज का भी हो सकता है सिलो का भी हो सकता है ठीक है और कोई और भी हो सकता है एच अब सेम वे में पेंसिल पेंसिल बोला तो पेंसिल क्या है कॉमन नाउन है पेंसिल क्योंकि पेंसिल की तो बहुत सी वैरायटी मिलती है अगर हमने उसकी वैरायटी के साथ उसको बोला तो वो नाउन हो जाएगी जैसे हमने बोला नटराल्स की पेंसिल एच बी की पेंसिल तो बोला एच बी पेंसिल एच बी वाली पेंसिल तो वो आपकी कौन सी होगी प्रोपर नाउन अगर आपने बोला ओनली पेंसिल तो वो कौन सी होगी आपकी कॉमन नाउन उसी प्रकार से आपने बोला ऑयल तो ऑयल क्या होगा आपका कॉमन नाउन क्योंकि ऑयल तो बहुत होते हैं सरसों मस्टर्ड ऑयल भी होता है आपका दूसरा आपका बजाज ऑयल भी हो सकता है आपका आलमंड सकता है या फिर आपका आवले वाला आवला ऑयल भी हो सकता है ठीक है भिंगराज ऑयल भी हो सकता है तो हमने ओनली ऑयल बोला तो ऑयल में तो सारे ऑयल शामिल हैं तो वो आपकी कौन सी नाउन हो गई कॉमन नाउन हो गई अब आपकी प्रोपर नाउन में क्या बोलेंगे जैसे मैंने बोला डाबर आंवला तो डाबर आंवला एक प्रॉपर नाउन हो गई जो डाबरावला ऑयल है वो प्रॉपर नाउन हो गई यदि मैंने बोला ऑयल तो ऑयल तो कोई भी हो सकता है मैंने बोला मस्टर्ड ऑयल तो मस्टर्ड ऑयल बोला तो आपकी कौन सी नाउन हो गई आपकी प्रॉपर नाउन हो गई है अब उसी प्रकार से ये क्या कहता है अब एक बार कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज्ड अब एक बात इसकी जो क्वालिटी है कॉमन नाउन की ध्यान रखना जब हम कॉमन नाउन को जब लिखते हैं तो उसका कभी भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं लिखा जाता लेकिन कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है प्रॉपर नाउन में हम जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है अब प्रॉपर नाउन का एक बार बुक के हिसाब से और देख लेते हैं प्रॉपर नाउन कहता है नाउन दैट नेम पर्टिकुलर प्लेसेस यानी किसी विशेष स्थान का नाम बताए विशेष व्यक्ति को बताए या फिर कोई वस्तु को बताएं उसको हम क्या बोलते हैं आर कॉल्ड प्रोप्र नाउंस प्रोप्र नाउंस आर वर्ड्स विच नेम स्पेसिफिक पीपल थिंग्स प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस कहता सम टाइम्स वी गिव नेम्स टू पेट्स आल्सो केसेस किटी टोमी जो हमारे पालतू जो हैं डॉग्स वगैरह हैं उनको भी हम नाम दे देते हैं तो वो भी हमारे क्या हो गए हैं प्रोप्र नाउन तो एग्जांपल देखो सचिन तेंदुलकर एक तो हम बोले ए, प्लेयर तो प्लेयर में तो सचिन भी आ गया सहवाग भी आ गया कोई भी प्लेयर हो सकता है इंडियन प्लेयर्स भी हो सकते हैं फॉरेन प्लेयर्स भी हो सकते हैं यानी कि हमारे देश के प्लेयर भी हो सकते हैं यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर हैं वो सब हो सकते हैं वो हॉकी का भी हो सकता है आपका क्रिकेट का भी हो सकता है लेकिन यदि आपने बोला सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुल सचिन तेंदुलकर वैसे तो प्लेयर है लेकिन अपने आप में तो वो अलग है वो तो एक ही है यानी कि जो एक चीज होती है उस जैसी कोई और चीज नहीं होती है तो वो आपकी कौन सी नाउन होती है प्रॉपर नाउन होती है सेम वे में जैसे मुंबई तो मुंबई भी एक ही है इंडिया इंडिया भी एक ही है ठीक है अगर हम कहें नेशन राष्ट्र तो देश हो गया अभी वो कोई भी हो सकता है तो वो आपकी कॉमन नाउन लेकिन हमने नाम दे दिया यदि उसको इंडिया पाकिस्तान चाइना ये हमने उनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया है तो कौन सी नाउन बन गई आपकी प्रॉपर नाउन हो गई है उसी प्रकार से द टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज का नाम है अगर आप बोलोगे न्यूज तो न्यूज तो कोई भी हो सकता है हरी भूमि हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है लेकिन यहां पे हमने नाम दे दिया उसको पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि एक विशेष न्यूज़पेपर की बात कर रहे तो आपकी कौन सी नाउन हो गई प्रॉपर नाउन हो गई पार्क स्ट्रीट भी पार्क की जो गली है उसका नाम दे दिया गोवा गोवा एक विशेष जगह का नाम है ठीक है उसकी जैसे कोई दूसरा नाम तो है नहीं तो आपकी कौन सी नाउन हो गई प्रॉपर नाउन तो इसके फीचर क्या होते हैं प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स अब यहाँ पे हमने दो नाउन्स की है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन तो आपको क्या पता चला भी जब एक चीज जैसे हमने कोई कॉमन नाउन तो कोई एक कॉमन होती है सेम काइंड की होती है यानी कि वैसी होती है जैसे बॉय हैं तो एक बॉय की हम फिर जब हम बात करें कि पुअर रिच तो जितने भी पुअर है, उन तो है उनकी बात कर रहे हैं द रिच बोलते हैं जो अमीर है वो तो उसमें किसी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की तो बात नहीं करते हैं तो उसमें सभी सभी की बात हो जा जाती है तो वो हमारी कॉमन नाउन लेकिन प्रॉपर नाउन कब हो जाती है जब हम किसी विशेष उसका नाम लेके उसकी एक अलग पहचान के साथ जब हम उसको मेंशन करते तो वहां पे हमारे प्रॉपर नाउन हो जाते जैसे प्लेयर बोलेंगे तो कॉमन नाउन और यदि हमने उस प्लेयर का नाम बता दिया तो हमारा जैसे सचिन तेंदुलकर है ये हमारी कौन सी बन जाएगी प्रॉपर नाउन तो दोनों में हमें ध्यान क्या रखना है भाई जो हमारी कॉमन नाउन है वो कभी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता लेकिन जो हमारी प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर हमें क्या करना पड़ता है कैपिटल में लिखना पड़ता है आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब देख ये कहता है सर्कल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइंस द कॉमन नाउन यानी कि जो प्रॉपर नाउन है उसको तो आपको क्या करना है सर्कल करना है और जो आपकी कॉमन नाउन है उसको अंडरलाइन करना है तो राजीव एंड प्रियंका आर ब्रदर एंड सिस्टर तो यहाँ पे राजीव कौन सी आपकी कौन सी नाउन है प्रॉपर नाउन है और प्रियंका ये भी आपके प्रॉपर नाउन है अब ब्रदर एंड सिस्टर अब भाई और बहन कोई भी हो सकते हैं तो ब्रदर और सिस्टर जो है उसी प्रकार से द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू अब यहाँ पे कैपिटल 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 कौन सी नाउन हो गया आपकी कॉमन नाउन है।, है क्योंकि किसी कोई भी राजधानी हो सकती है लेकिन यहाँ पे नेपाल अपने आप में क्या है पर्टिकुलर है नेपाल और काठमांडू ये दोनों क्या है आपके प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे वाज वॉज बाय विलियम शेक्सपियर अभी ओथेलो जो है एक उसकी राइटिंग है एक रचना है ठीक है ये कौन सी है आपके नाउन हो गए प्रॉपर नाउन है विलियम शेक्सपियर वो एक राइटर है ठीक है तो कोई ये हमारी प्रॉपर नाउन है दोनों टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर फॉर द एग्जीबिशन यहाँ पे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स तो टीचर्स अब तो ये नहीं पता चल रहा कौन से टीचर की बात कौन से टीचरों की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स भी कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नहीं है तो कॉमन नाउन हो गए दोनों वर्क टुगेदर फॉर द एग्जीबिशन अब एग्जीबिशन का भी कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया तो कोई भी हो सकती वो भी आपकी कौन सी होगी कॉमन नाउन हो गया द पोएम ऑटम अगर ओनली हम पोएम वर्ड को देखें ओनली हम पोएम वर्ड को देखें तो पोएम तो कोई भी हो सकती है ठीक है लेकिन ओ ओर टू ओटम यहाँ पे नाम दे दिया है नाम दे दिया है तो क्या होगा प्रोपर नाउन हो गया है रिटर्न बाय जॉन किट तो जॉन किट भी कौन है एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो तो एक ही है अगर हम कहते पोएट तो पोएट तो कोई भी हो सकता था तो पोएट अगर लिखते तो हमारी कॉमन नाउन हो जाती लेकिन यहाँ पे जोहन किट जो है वो तो एक विशेष पोएट की बात हम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपर नाउन उसके बाद हैप्पी फिट इज एन एंटरटेनिंग मूवी अब हैप्पी फिट अब मूवी अब हैप्पी फिट की हम बात करें तो जो अपने आप में क्या है विशेष है पर्टिकुलर है तो प्रॉपर नाउन है मदर वॉश इज रितुज क्लॉथ इन दॉशिंग मशीन अब यहाँ पे मदर है वॉशिज मदर धो रही है क्या रितुज क्लॉथ किसके कपड़े रितु रितु क्या अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और मदर क्या है अब मदर अब ये तो नहीं पता है ना कि ऋतु की मदर है या कोई और मदर किस और किसी की मदर है तो अपने आप में मदर क्या आपकी कॉमन नाउन है वॉशिंग वॉशिंग मशीन मशीन अब का नाम नहीं बताया कि ऊषा की है एल जी की है या कौन सी वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन कोई भी वॉशिंग मशीन हो सकती है तो ये हमारी कॉमन नाउन हो गई है आई थिंक आपको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गई होगी अब हम करेंगे कोलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन कहता है नेम ए ग्रुप यानी कि वो नाउन जो किसी ग्रुप को एक नाम दे देता है या एक उसका एक उसका वर्ग उसको नाम दे दे देता है, और एक वो हमारी कोलेक्टिव नाउन होती है सिमिलर थिंग्स या तो सेम चीजें हों से, या पर्सन हो टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ वन एज वन होल आर कॉल्ड कोलेक्टिव नाउन जैसे आर्मी यानी कि जो सोल्जर्स का जो समूह होता है यानी कि जहां एक से ज्यादा सोल्जर होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं आर्मी बोल देते हैं वैसे ही हर पशुओं का जो समूह होता है उसको हम क्या बोल देते हैं जब ज्यादा पशु हो जाते हैं तो उनको हम उनका एक पूरे जो कोलेक्टिव रूप में उसको एक नाम दे देते हैं हर वैसे ही आपका जो जैसे स्टूडेंट्स क्लास बोलते हैं आपको यानी कि जो स्टूडेंटों का एक समूह होता है उसी को तो क्लास बोलते हैं तो क्लास भी अपने आप में क्या है? एक कोलेक्टिव नाउन है फ्लीट ये भी आपकी कोलेक्टिव नाउन है बंच और पैक ये भी आपकी कौन सी है कोलेक्टिव नाउन है अब इसके फीचर्स क्या होते हैं देखो कोलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट याद रखना कि जो कोलेक्टिव जो नाउन्स होती हैं उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं एक एक यूनिट मानते हैं यानी कि उसको एक मानते हमेशा सिंगुलर मानते हैं ध्यान रखना जब हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हम यूज करते हैं तो इनको इनको हम एक व्यक्ति या वस्तु या प्लेस मान के इसको ट्रीट करते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज किया जाता है पहला रूल आपको क्लियर हो गया दे कैन बी यूज एज कॉमन नाउंस जो हमारी कोलेक्टिव नाउन्स है इनको हम कॉमन नाउन की तरफ हम यूज कर सकते हैं दे आर नेमिंग वर्ड्स यूज फॉर मैनी एनिमल्स थिंग्स पर्सन एंड प्लेसेज टेकन टुगेदर एज यूनिट्स जैसे फ्लोक है फ्लोक ऑफ सिप आट ऑफ रूम्स ये सब क्या है? जब जो सिप का जो समूह होता है भेड़ों का जो समूह होता है उसको फ्लोक बोल देते हैं उनका यानी कि कई भेड़े इकट्ठी हो रही है उनको कि एक नाम दे दिया फ्लोक जैसे कई रूम्स हैं उनको सभी रूमों का एक जो सभी जो रूम है उनको एक नाम दे दिया सूट बोल दिया है

ठीक है Here are more examples of collective nouns. तो हियर आर मोर ऑफ आपको ये कोलेक्टिव नाउम्स आपको अपने नोटबुक में नोट भी करनी है और आपको इनको लर्न भी करना जैसे ए पैक ऑफ कार्ड्स डॉग्स और वॉल्स अब आपको देखो एक ही वर्ड से आपको तीनों के चाहे आपसे कार्ड्स का जो समूह कोलेक्टिव नाउन पूछे कार्ड्स की जो जब ज्यादा कार्ड्स होंगे तो उसको पैक बोलेंगे डॉग्स का जो समूह होता है उसको पैक बोलते हैं वोल्स का जो समूह होता है उसको भी ए, पैक बोलते हैं ऑफ होता है प्लेयर्स का जो समूह होता है जो फिश का जो समूह जहाँ बहुत सी मछलियां होती है तो उसको ए, स्कूल बोलते हैं बीज का जो समूह होता है उसको स्वाम बोलते हैं स्वाम ऑफ बीज अब जो सेलर्स हैं जो नाविक है उनका जो समूह होता है उसको सेलर्स बोला जाता है उसी प्रकार से जो फ्लावर्स हैं उनका जो समूह होता है उसको आप बंच भी, भी बोल सकते हो बुके भी बोल सकते हो यानी कि बहुत से फूल होते हैं उनको इकट्ठा अगर आप एक नाम दोगे आप बंच भी बोल सकते हो बुके भी बोल सकते हो अब मोव पीपल जब लोगों की भीड़ होती है तो मो बोल देते हैं अब फ्लोक ऑफ बर्ड्स भी होता है फ्लोक ऑफ शिप भी होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लोक है वो बर्ड्स का भी होता है शिप का भी होता है अब बेंच ऑफ बनाना ग्रेप्स और फ्लावर्स यानी कि बंच किसके समूह को आप बंच बोल सकते हो बंच बनाना के समूह को ग्रेप्स के समूह को फ्लावर्स के समूह को हेड ऑफ कैटल भी होता है और डियर यानी कि जो पशुओं का जो समूह होता है उसको हर्ड बोल देते हैं जो डियर हैं उनके समूह को भी हम क्या बोलते हैं हर्ड बोलते हैं अटर ऑफ पपीज जो पपीज यानी कि जो डॉग के जो बच्चे होते हैं उनको पपीज बोलते हैं और उनका जो समूह होता है उसको लिटर बोलते हैं ये या आपको याद करने हैं सभी को यहाँ पे 18 दे रखें, तो एटीन आप अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे और इनको लर्न भी करेंगे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो समूह होता है यानी कि कई मिनिस्टर जो एक जगह होते हैं उनको कैबिनेट बोलते हैं जब बहुत ज्यादा पेड़ एक साथ इकट्ठे होते हैं उसको क्लंप बोलते हैं हट्स एक क्लस्टर ऑफ हट्स जब बहुत सी झोपड़ियां एक साथ होती हैं तो उसको एक कंबाइन अगर हमें कोलेक्टिव नाउन में अगर हम उसको प्रेजेंट करें तो हमें क्या बोलना पड़ेगा क्लस्टर अक्वेड्रॉन ऑफ एरोप्लेन्स एरोप्लेन का जो समूह होता है उसको स्क्वेड्रोन बोलते हैं अल ऑफ फिश यानी कि मछलियों का जो समूह होता है उसको स्कूल भी बोलते हैं अब आपको ध्यान में रखना फिश के हमारे पास दो आ गए हैं एक तो शॉल और एक स्कूल ठीक है दोनों का याद रखना या फिर एक ही जगह पिन को नोट कर लेना जो बुकों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं अ लाइब्रेरी बोलते हैं आई थिंक माई डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद हमारी और भी नाउंस रहती हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो इसलिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं आप यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप मेरी आगे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपने चैनल पर डालूँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए तो यहाँ पर एक मैच द वर्ड्स इन कॉलम्स ए विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन कॉलम बी तो आपको यहाँ पे मैच करना है और इनका बताना है ओके थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो थैंक यू